वी सी सम आप क्रिकेट मैच देखते हो? आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो? तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स आते हैं। ग्राफिक्स इन द सेंस कि ग्राफ बना होता है, एक तरफ ओवर्स होते हैं, एक तरफ रन्स होते हैं, एवरी ओवर्स में कितने रन स्कोर किए। एक पाई चार्ट आता है, उसके अंदर ग्राउंड का मैप बना होता है, एंड यू हैव बीन शोन हाउ मेनी मार्क्स हैव बीन स्कोर्ड इन वेरियस रीजन। सो दैट इज ऑल्सो द इंफॉर्मेशन, द सेम डाटा, दैट डाटा हैज बीन कन्वर्टेड इन सम इंफॉर्मेटिव वे, राइट? एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इंटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, राइट? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, राइट? देर आर सो मेनी वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। इन योर स्टैंडर्ड सिक्स क्लास वील बी अंडरस्टैंडिंग टू थिंग्स। वन इज ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन द फ्रिक्वेंसी टेबल, अनदर इज देर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन द पिक्टोग्राम फॉर्म। सो वील बी डूइंग टू थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड हाउ टू ऑर्गेनाइज द डाटा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. डू यू नो वट आर टेली मार्क्स एंड हैव यू डन दिस? Yes. वेरी गुड। सो नाउ दीज आर द क्लास मार्क्स। सो वी मेक ए टेबल एंड राइट हेयर क्लास मार्क्स, राइट? एंड हेयर वी राइट टैली मार्क्स। नाउ व्हाट इज टैली मार्क्स? हु विल टेल मी? कौन बताएगा बेटा व्हाट इज टैली मार्क्स? बच्चे टैली मार्क्स इज इन ए सेंस इज अ फ्रीक्वेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फॉर एग्जांपल, आई एम मेकिंग द इंफॉर्मेशन इनटू, आई एम ऑर्गेनाइजिंग दिस डाटा, राइट? सो व्हेन आई स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजिंग दिस डाटा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? जीरो हाउ मेनी टाइम्स जीरो इज देयर? वन। हाउ मेनी टाइम? ओनली वन। आई एम राइटिंग क्लास मार्क्स हेयर एंड टेली मार्क्स आई राइट ए स्ट्रेट लाइन। इज दिस क्लियर? सो देयर इज सिंस वन वन स्टूडेंट विद जीरो मार्क्स, सो आई पुट वन स्ट्रेट लाइन। नाउ ही कम्स टू द वन। हाउ मेनी वन आर देयर? हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर वन? ओनली वन स्टूडेंट स्कोरिंग वन इज ऑल्सो वन। देन हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर टू? सर टू इज ऑल्सो वन। देन थ्री, थ्री आर वन। फोर, नाउ इट इज फोर। व्हाट विल डू? विल राइट इन द स्ट्रेट लाइन। इज दिस क्लियर? इन टैली मार्क्स वन इज रिटन एज दिस, टू इज दिस, थ्री इज दिस, फोर इज वन टू थ्री फोर, एंड व्हेन यू हैव टू राइट फाइव, दिस इज फाइव। सो देर इज नो नंबर बिगर देन फाइव कैन बी रिटन रिप्रेजेंटिंग टैली मार्क्स। सो व्हेन यू हैव टू राइट सिक्स, व्हाट यू विल डू? दिस इज फाइव, वन मोर लाइन। इज दिस क्लियर? Yes. इज दिस क्लियर और नॉट बच्चों? नाउ प्लीज मेक द फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर दिस डाटा। आई हैव गिवन यू द सैंपल हाउ टू मेक इट। नाउ यू प्लीज मेक द फ्रिक्वेंसी टेबल। बेटा नो टॉकिंग प्लीज, जस्ट मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल। इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट यू कैन टॉक टू मी, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स।
फास्ट। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन। जब भी आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए बच्चे, प्लीज एनसर्कल द ऑब्जर्वेशंस, अदरवाइज क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाती है। बच्चे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, प्लीज अंडरस्टैंड। ये कुछ टॉपिक्स होते हैं बच्चे विच हेल्प्स यू टू स्कोर मार्क्स। हाँ जी डन। नो नो हाँ हाँ जी, अभी कर लिया बच्चों आपने, काफी टाइम लगा रहे हो जी। वेरी गुड, आने सडन नाउ वी कम टू द, चलिए किस किस बच्चे ने किया बेटा। वेरी गुड, चलिए सेक्शन सी, सबसे लास्ट बेंच पे जो दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, लास्ट बेंच वाले आ जाइए जरा। आ जाओ दोनों, आ जाओ जल्दी आओ बेटा, प्लीज कम। हाँ जी बेटा, हैव यू डन। हाँ यस जी बताइए, हाउ मेनी फोर्स आर देयर, हाउ मेनी सर, फोर्स, थ्री, थ्री वन थ्री टू एंड थ्री, वेरी गुड, सो देयर आर थ्री फोर्स, फोर आर थ्री, देन फाइव, हाउ मेनी फाइव, सर टू टू, वन एंड टू, फाइव आर टू, देन हाउ मेनी सिक्स, सर वन टू थ्री, सो वी हैव सिक्स थ्रीज, देन सेवन। आप बताइए बेटा, दूसरा स्टूडेंट को आगे कीजिए, आप जाइए अब, यू प्लीज कम बेटा। सर फाइव, सेवन, हाउ मेनी सेवन, सर फाइव वन टू थ्री फोर, वेयर इज द फिफ्थ वन, सॉरी फोर। फोर टू थ्री फोर, देन एट, थ्री थ्री वन कर टू थ्री फोर, बेटा देर आर फोर, सारे आप रॉन्ग बोल रहे हो, सेवन वर फोर ना, हाउ मेनी सेवन वर देयर, फोर हाउ मेनी नाइन बेटा, सर फोर वन टू थ्री एंड हाउ मेनी टेन,
थ्री। थ्री। नाइन नाइन वन सर फोर। फोर राइट। सर सो यस। चेक वेदर दिस ऑल कंबाइंस टू नॉट। टोटल सबका बेटा 30 आ रहा है, तो ये हो गया आपका 6, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 25 आ रहा है। सो वी हैव टेकन हाउ मेनी स्टूडेंट्स? देखिए बच्चे, 1, 2, 3, 4, 7, 7, 3, 10, 15, 19, 23, 29 बन रहा है बच्चे। 30 30। बन रहा है। ओके, सही यस। 7, 12, 12 प्लस 7, 19, 22, 23, 24, 25। कैसे बन रहा है बच्चे? 3 प्लस 4, 7, 7, 3, 10, 15, 15 एंड 8, 29 बन रहा है बच्चों। फोर है सर। 9, 4 है। यस, आपने 3 लिखा हुआ है। अच्छा, ये 4 है। ठीक है बेटा, सिट डाउन। तो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू ऑर्गेनाइज द डाटा? इज दिस क्लियर बच्चों? यू अंडरस्टूड व्हाट आर टैली मार्क्स? नाउ देन वी कम्स टू द योर असाइनमेंट। हैव यू एवरीवन गॉट द असाइनमेंट? चलिए बच्चे, वी कम्स टू द असाइनमेंट नाउ। कैन यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फ्रीक्वेंसी टेबल, राइट? ए डायग्राम इज गिवन टू यू। कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल टू शो हाउ मेनी ऑफ ईच कार्ड नंबर आर देयर। हैव यू सीन बच्चों प्लेइंग कार्ड्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन प्लेइंग कार्ड्स? ताश बोलते हैं ना हिंदी में बेटा उसको, तो देखिए बेटा आप लोगों ने। बेटा अरे मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको, क्योंकि आगे प्रोबेबिलिटी में और काफी जगह पे इसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो व्हाट आर प्लेइंग कार्ड्स? इट इज ए सेट ऑफ 52 कार्ड्स। क्या होते हैं बच्चे? 52 कार्ड्स होते हैं बेटा, राइट? सो दे आर 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में क्या क्या होता है बच्चे? देखिए, ठीक वन जो होता है उसको बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? है। टू से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, 2 से लेके रादर 10 तक। 2 से 10 नंबर होते हैं। फिर देर इज जे, क्यू एंड के। जे मीन्स जैक एंड क्यू मीन्स क्वीन एंड के मीन्स किंग, राइट? ये जो होते हैं बेटा, दीज आर द फेस कार्ड्स। इसमें एक फोटो बनी होती है, राइट? नो, इज दिस क्लियर बच्चों? सर तो दीज बिकम्स 13। तो इस तरह के 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, राइट? टोटल ऑफ 4 टाइप्स। नाउ आउट ऑफ 4 टाइप्स, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। इज दिस क्लियर? यस। ये जो फर्स्ट कार्ड नजर आ रहा है, ये इसका एक्चुअल कलर रेड होता है, एंड दिस इज नोन एज डायमंड। इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज हार्ट, इसको बोलते हैं हार्ट, एंड दिस इज ऑल्सो रेड। इज दिस क्लियर? नाउ दिस कार्ड, दिस वन एंड, मैं रेड से ही ले देता हूँ, 1 मिनट। दिस वन एंड दीज टू, दीज आर ऑफ ब्लैक कलर्स, राइट? ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे क्लब, और इसको बोलते हैं स्पेड। क्लब और स्पेड, इज दिस क्लियर? सो देर आर 4 टाइप ऑफ कार्ड।
ठीक है, आउट ऑफ फोर टू टाइप्स आर ब्लैक एंड टू टाइप्स आर रेड, ठीक है। सो टोटल कार्ड्स कितने हो गए बेटा, 13 इंटू 4 टाइम्स 52 कार्ड्स, राइट। नाउ कैन यू सी दिस कार्ड, यहाँ पे कितने ये डायमंड्स बने हुए हैं। सो देर आर थ्री डायमंड्स, सो देर फॉर दिस कार्ड इज कॉल्ड थ्री, दिस इज कार्ड डिस्प्लेइंग थ्री, इज दिस क्लियर। हियर देर आर टू आपके जो क्या है क्लब्स, सो देर फॉर दिस इज कॉल्ड टू, दिस इज थ्री, दिस इज व्हाट इज दिस। हाँ जी बच्चे, व्हाट इज दिस डायमंड, हाउ मेनी, सेवन, सो इट मीन सेवन, दिस इज टू, सिक्स सिक्स सिक्स, दिस इज एट, सेवन फोर, इज दिस क्लियर, इज इट सर क्लियर यस बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट। यस नाउ वी कम्स टू द क्वेश्चन, जस्ट ओपन योर असाइनमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल टू शो हाउ मेनी ऑफ ईच कार्ड नंबर आर देयर, इज दिस क्लियर बच्चों, इज दिस क्लियर। सो जस्ट प्रिपेयर दिस फ्रीक्वेंसी टेबल बाय लुकिंग एट दिस डेटा, कोई प्लीज कंप्लीट दिस। तो हाँ जी बच्चों, सॉरी जस्ट सी एट द टेबल। हाँ जी बच्चों, जस्ट लुक एट द टेबल, हाउ मेनी टूज आर देयर, टू आर फोर, हाँ तो टू आर फोर, टू आर फोर राइट, फोर विल बी ड्रॉन इन द फ्रिक्वेंसी बनानी है आपको, देन नो नीड फॉर द टैली मार्क्स। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों थ्री, हाउ मेनी थ्री आर देयर, वन टू एंड देयर इज सम अदर थ्री आल्सो, यस, हाउ मेनी थ्री आर देयर, ये थ्री आर थ्री, टू वाले कितने थे बेटा, वन टू थ्री फोर, फोर ही थे ना, राइट। देन वी कम्स टू द फोर, हाउ मेनी फोर, ओनली सर फोर, को वन टू थ्री फोर राइट। देन इज फाइव, हाउ मेनी फाइव, फाइव ओनली वन, सिक्स, वन टू थ्री, देन इज सेवन, वन टू थ्री फोर, दैट्स इट, देन एट, एट आर थ्री, वन टू थ्री, दैट्स इट, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरियस कार्ड्स, नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर फोर्स, यस, हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर फोर, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट थ्री और मोर, व्हाट डू यू मीन बाय थ्री एंड मोर, यू ऐड ऑल दीज, सबको ऐड कर दो बच्चों,
3 + 4 = 8, 11 = 15 एंड 18, सो इट विल बी 18, 3 or more, राइट? और नंबर्स एटीन राइट बच्चे, 18 आ गया थर्ड का आंसर। एटीन नेक्स्ट इज ऑड, हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर ऑड? ऑड मीन्स 3, 5, 7, चार और फोर 8 हो गए बेटा। जी पार्ट इज ऑड कार्ड कौन से हो गए बेटा? 3 है जो 4 है, 3, 5 एंड 7। इज दिस क्लियर? हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर 6? हाउ मेनी 6? 3। एटीन बच्चे किस किस को नहीं समझ आ रहा, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल वंस अगेन एक्सप्लेन। आ जाओ बेटा, जिस जिसको समझ नहीं आ रहा माइक पे आ दो सारे लोग, आप आके बताओ जरा मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा। क्वेश्चन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। आई एम हैप्पी एटलीस्ट आप लोग क्वेश्चन तो पूछ रहे हो ना। सेक्शन बी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो नो वन इन सेक्शन बी। सर हाँ जी बेटा, सेक्शन सी बताइए फ्रेंड स्टूडेंट, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा आपको? क्वेश्चन नंबर टू में सर क्या बेटा, वही पूछ रहा हूँ ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपको? देखिए नो बेटा क्वेश्चन, देखिए रीड कीजिए जरा, व्हाट इज द स्टेटमेंट, आस्क हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर? ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए क्या कनेक्ट कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स कार्ड्स आर, आर लिखा हुआ है, आर के बाद फर्स्ट पार्ट करेंगे तो फोर्स, कितने कार्ड जो है वो फोर है, फोर कितने थे बेटा, ये फोर है, हाउ मेनी कार्ड्स आर फोर? हैव यू अंडरस्टूड, सर हैव यू अंडरस्टूड? सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा, हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर, यहां पे क्या आ गया, थ्रीज, थ्रीज कितने, आर यू गेटिंग इट और नॉट नाउ? आप दोनों चले जाओ आगे वाले। हाँ जी बेटा, आप बताइए, आपको क्या डाउट था, सेम ही था डाउट, कुछ डिफरेंट है? सेम है सेम है, चलिए अब हम देखते हैं जो ई पार्ट है बेटा, ई तो रुक जाओ रुक जाओ, आपने जाना नहीं अभी। हाँ जी बेटा, नाउ रीड द ई पार्ट, ई और मोर 3 or more, यहां पे लिखा हुआ है क्या बेटा, हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड आर 3 or, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि कार्ड पे 3 हो सकता है और नंबर ग्रेटर देन 3 हो सकता है, इज दिस क्लियर? 3 or greater than 3, सो नाउ ओनली द 2 इज अ लेस नंबर देन 3, इज दिस क्लियर? सो वी हैव एनी ऑफ दीज नंबर्स, हम इन सब का एडिशन करेंगे बेटा, ये देखिए सारे इन सब का एडिशन करके कितना आंसर आया है, 18। एटीन प्लीज गो बैक। हाँ जी, सेक्शन ए से जो स्टूडेंट जिनको डाउट था प्लीज कम फॉरवर्ड, इज योर डाउट्स क्लैरिफाइड और नॉट? यस एनीवन इन द सेक्शन बी? नाउ कम्स टू द ऑड, ऑड वाला पार्ट वी हैव डन। यस हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर ऑड? ऑड मीन्स ऑड नंबर, विच शोज ऑड नंबर, ऑड नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, सो दीज नंबर आर 3, 5, 7, सो हाउ मेनी 3 आर देयर, हाउ मेनी 3 आर देयर, हाउ मेनी 5 आर देयर, हाउ मेनी 7 आर देयर, व्हाट इट बिकम्स, इज दिस क्लियर बच्चों? नाउ कम्स टू द बी पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर 6? हाउ मेनी कार्ड्स आर 6? थ्री
हाउ मेनी? फाइव। सर नाउ कम्स टू द एफ पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर लेस देन फाइव? लेस देन फाइव मीन्स सो दीज थ्री, एड दीज थ्री, 4 + 3 + 4 दैट कम्स टू 11। वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर इवन? 4 + 4 = 8 + 3, 11 + 3 = 14। वेरी गुड बच्चों, इज दिस क्लियर नाउ? सर इज दिस क्वेश्चन क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल टू शो हाउ मेनी ऑफ ईच सूट आर देयर, राइट? हाँ जी बच्चों, आई जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द प्लेइंग कार्ड्स। हैव आई एक्सप्लेन यू हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर देयर? तो देयर आर टोटल ऑफ 52 कार्ड्स आर देयर। तो देयर आर फोर टाइप ऑफ सूट्स, कौन कौन से होते हैं बच्चे ये? हाँ आर्ट, देन ये दोनों जो होते हैं बेटा रेड होते हैं, एंड दीज आर ब्लैक शेप। सबको पता चल गई बच्चे कौन सी होती है, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ कार्ड्स आर देयर? हाउ मेनी हार्ट्स आर देयर? देखिए बेटा, टोटल ऑफ 52 कार्ड्स आर देयर। इज दिस क्लियर? हैव आई एक्सप्लेन यू? एक नंबर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? देन वी हैव 2 to 10 नंबर्स, राइट? देन 11 किसको बोलते हैं? जैक। 12 क्वीन, एंड सो वन, और यहाँ पे कितने हो गए? वन के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इज दिस क्लियर? देन थ्री फेस कार्ड, जैक, क्वीन एंड किंग। सो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर ऑफ ईच टाइप? हाउ मेनी कार्ड्स ऑफ ईच सूट आर देयर? 13, राइट? सो सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बच्चे? 13। सो देयर आर 13 ऑफ हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब एंड 13 स्पेड। इज दिस क्लियर? मुझे लग रहा है डाउट है इस क्वेश्चन में कुछ। यस ना? जस्ट जस्ट गिव मी ए मिनट टू मी, आई ट्राई टू शो यू द कार्ड। जस्ट जस्ट होल्ड फॉर ए मिनट, राइट? स्टूडेंट, आई ट्राई टू शो यू ऑल द कार्ड्स राइट इन 5-7 मिनट्स टाइम, सो विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ, राइट? आई ट्राई टू। हाँ जी बच्चे बोलिए। सर, कैन यू एक्सप्लेन थॉरली? या वंस अगेन आई कैन, नो प्रॉब्लम। देखिए बेटा, नो दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस. प्रॉब्लम बच्चे, पुराना भी होगा, देन आल्सो आई विल एक्सप्लेन, देन आस नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए मैं कलर भी वही लेता हूँ बेटा, ये कलर नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा ना? बेटर है बेटा? सही है, सही.
अच्छा अब ऐसा है ना, स्पेड और क्लब तो ब्लैक होते हैं, हमारी स्क्रीन भी ब्लैक है, तो मैं ब्लैक में लिख नहीं सकता। सो व्हाट आई डू, आई राइट इन व्हाइट, इज इट ओके? सो दीज आर, हाँ इज दिस क्लियर बेटा? राइट। हाँ अब हार्ट का जो पहला कार्ड होता है वो क्या होता है? एसी उसके बाद नंबर होते हैं एसी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इज दिस क्लियर? उसके बाद ये सारे नंबर्स होते हैं बच्चों। देन वी हैव, किंग सो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? काउंट करते जाओ, अपनी फिंगर पे काउंट करते जाओ सारे। एस, एट, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ठीक है जी। देन जैक, क्वीन एंड किंग, हाउ मेनी कार्ड? क्लियर 30 हो गया बच्चों सबको? Shall I once more repeat it? नो बेटा आपने कोई मूवी देखी है जिसमें कसीनो का सीन दिखाते हैं? यू नो व्हाट इज कसीनो, जहां पे लोग जाके प्लेइंग कार्ड वगैरह खेलते हैं। सो कसीनो का जब सीन दिखाते हैं ना, सो जब सस्पेंस बना रहे होते हैं, एक पर्सन के पास ना वो 3 एसेस दिखाते हैं जी, ठीक है? तो जो गेम होती है ना, 3 एसेस सबसे बड़ी मतलब वो जैकपॉट होता है, तो 3 एसेस दिखाते हैं वो लोग। तो वो एस कैसा होता है आपने देखा है, राइट? तो वो मूवीज कैसीनो रॉयल वगैरह इफ यू सी, सो उसके अंदर दिखाते हैं ना, वो कैसीनो का सीन दिखाते हैं। सो सो दैट इज अ एसिस, 3 एसिस, राइट? दैट इज अ बिगेस्ट डील, ठीक है? सो मतलब प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, सो सबसे फर्स्ट आता है एस, राइट? देन 2 2 लेके 10 तक नंबर होते हैं। एस को जनरली हम इक्का बोलते हैं, यानी कि 1, इज दिस क्लियर? देन वी हैव जैक, दिट इज 11, देन 12 इज क्वीन, 13 इज किंग, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? राइट, सो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, इज स्टिल क्लियर और नॉट? राइट, सो बच्चों नेक्स्ट वी कम टू द क्वेश्चन 4। क्वेश्चन इसमें सब में बेटा फ्रीक्वेंसी 13 आ जाएगी। जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, एवरी वेदर इट इज हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, एवरी वन हैज द फ्रीक्वेंसी। तो दैट विल बी द थर्ड क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो प्लीज कैन आस्क मी। नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर हार्ट्स और डायमंड्स? हाँ जी, हाउ मेनी कार्ड्स विल बी हार्ट्स और डायमंड? 28 हार्ट्स और डायमंड 26 हो जाएंगे बच्चों।26 दोनों को ऐड कर दिया ना बेटा। देन क्लब्स और स्पेड्स, क्लब्स और स्पेड्स 26। अच्छा यहाँ पे और के प्लेस पे अगर एंड हो जाए, देन इफ दिस इज एंड हार्ट्स एंड डायमंड, हार्ट एंड, देन व्हाट विल बी द आंसर? अच्छा बच्चे हार्ट एंड डायमंड, एंड का मतलब क्या होता है बच्चे? कि इट शुड बी बोथ। आप पेपर करते हो बच्चे, तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन आती है ना, दिस और दिस, और का मतलब क्या होता है? ईदर दिस और दैट, इज दिस क्लियर? बट व्हेन इट इज एंड, एंड मीन्स बोथ,
कैन एनी कार्ड बी बोथ हार्ट और डायमंड? हार्ट एंड डायमंड, नो। सो व्हाट विल बी द आंसर? जीरो। इज दिस क्लियर? नहीं समझ आया बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और? और मींस ऑप्शंस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि और लिखा आता बीच में बेटा, जब चॉइस होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? या तो आप फर्स्ट पार्ट कर सकते हो या सेकंड, यही होता है मीनिंग, ठीक यस है। बट व्हेन वी से एंड, एंड मींस बोथ, राइट? यस क्लियर? इफ आई एम सेइंग सेक्शन ए और सेक्शन बी, मीन्स इधर कम द सेक्शन ए और कम द सेक्शन बी। इफ आई से डी एंड सी, सो दैट्स मीन बोथ, राइट? सो यस नन ऑफ द कार्ड कैन हैव बोथ द थिंग्स, हार्ट एज वेल एज डायमंड। इज दिस क्लियर? यस तो देयरफॉर इट विल बी जीरो। चलिए वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। आर दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? द सूट दैट अपियर्स मोस्ट इज द हार्ट। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट बच्चों? द यस सूट दैट अपियर्स मोस्ट इज हार्ट, इज दिस ट्रू और फॉल्स? हाँ जी बच्चे, ट्रू और फॉल्स? व्हाई? ऑल द सूट हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, सो देयरफॉर ऑल आर इक्वल, नन इज मोर। नेक्स्ट, द नंबर विच अपियर्स लीस्ट इज द 8। फॉल्स, बिकॉज ऑल द नंबर्स अपियर टू टाइम्स। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा है? यस नेक्स्ट इज द सूट दैट अपियर द लीस्ट इज द डायमंड। ऑल सूट्स आर इक्वल, द नंबर विच अपियर मोस्ट इज 2। सो ऑल द स्टेटमेंट हेयर आर बिकॉज एवरीथिंग इज इक्वल, देर आर सेम नंबर ऑफ डायमंड, सेम नंबर ऑफ हार्ट, सेम नंबर ऑफ क्लब्स एंड स्पेड्स। सिमिलरली इफ यू लुक एट द नंबर, एवरी नंबर इज 4 टाइम्स ओनली। इज दिस क्लियर? यस सर और नो? यस नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, यस मैम। सर इन सिक्स क्लास मैथ्स बुक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट मेंशन, ओके सो दिस इज द न्यू कंसेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज दे डिडंट नो अबाउट द कार्ड. नो प्रॉब्लम मैम, वी आर ऑलवेज देयर। ओके सो मैम दे आर कंफ्यूजिंग कि हाउ मेनी हार्ट्स, डायमंड, क्लब एंड स्पेड्स आर देयर. इनफैक्ट आई एम वेटिंग, इफ मैम विल बी फ्री आई विल शो यू ना ऑन स्क्रीन आल्सो टोटल टाइप ऑफ कार्ड्स, Yes, सो sir. If it is राइट? possible, then kindly show the या students. डेफिनेटली आई विल ट्राई मैम, राइट? Okay. Okay, sir. Thank you. राइट, यस स्टूडेंट्स। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम्स टू द पिक्टोग्राफ्स। हाँ जी, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। हाँ जी, जिस पिज़्ज़ा हाउस, राइट, ल्यूजीज पिज़्ज़ा हाउस इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस पिज़्ज़ा। चलिए मॉर्निंग में आपके लिए, आपके ब्रेकफास्ट के लिए पिज़्ज़ा आ गए हैं बच्चों, ठीक है जी? ठीक है। लास्ट संडे ल्यूजीज मेड अ सर्वे अबाउट द कस्टमर्स फेवरेट पिज़्ज़ा। देखिए बच्चे, जैसे आप जाते हो ना पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज, सो देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पिज़्ज़ा। सो सिमिलरली देर इज ए रेस्टोरेंट, ठीक है, एंड दैट ऑनर ऑफ द रेस्टोरेंट डू ए सर्वे इज इन हिज ओन रेस्टोरेंट, राइट? सो व्हाट शी फाइंड्स इन हर ओन रेस्टोरेंट, व्हाट ही फाइंड्स दैट देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पिज्जाज। सो ही चेक्ड आउट हाउ मेनी पिज्जाज वर सोल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर संडे। इज दिस क्लियर? सो फर्स्ट टाइप ऑफ पिज्जाज आर देयर, फोर चीज। इज दिस क्लियर? सो हाउ मेनी पिज्जाज वर सोल्ड ऑन दैट डे? एक
जहाँ पे टोटल वोट्स है बेटा वहां पे आप नंबर लिखते जाइए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। व्हेन यू से टोटल वोट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज मीट फीस्ट, हाउ मेनी मीट फीस्ट? 15। नेक्स्ट इज वेजिटेरियन। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज 12 स्मोक चिकन 12 मार्गरेटा। नेक्स्ट इज लूजी स्पेशल। सो नाउ वी कम्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। द मोस्ट ऑर्डर्ड पिज्जा वाज लूजी स्पेशल। द लीस्ट ऑर्डर्ड पिज्जा वाज, नो नो नो, फोर चीज, फोर चीज आर एट, मार्गरिटा आर नाइन बेटा। नेक्स्ट, मोर पीपल ऑर्डर द स्मोक चिकन पिज्जा देन द डैश। हाँ जी, लिसन 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 केयरफुली। स्मोक चिकन पिज्जा, हाउ मेनी आर दोस? 12। Well, सो दीज 12 आर मोर देन ओनली फोर चीज एंड मार्गरेटा। yes. सो वी कैन राइट मोर पीपल ऑर्डर द स्मोक चिकन पिज्जा देन द मार्गरेटा एंड फोर चीज। Oh, नेक्स्ट इज फोर्थ, मोर देन 14 पीपल ऑर्डर द डैश। यस, ड्यूजी स्पेशल एंड मीट फीस्ट। मोर देन मतलब 14 से ग्रेटर। इज दिस क्लियर बच्चों? यस नाउ नाउ सी, यूज द की बिलो टू कंप्लीट द पिक्टोग्राफ। हाँ जी बच्चे, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज दिस की, आर यू गेटिंग? फॉर एवरी टू पिज्जा, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वन, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। जस्ट सी केयरफुली हाउ टू ड्रॉ दिस। हाउ मेनी फोर चीज पिज्जाज आर देयर? सो दिस रिप्रेजेंट टू पिज्जाज, सो यू विल ड्रॉ हेयर फोर फोर फोर, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स टू पिज्जाज। इज इट विजिबल, स्क्रीन विजिबल टू यू और नॉट? राइट, नेक्स्ट कंप्लीट द दिस। व्हाट इज मीट फीस्ट, हाउ मेनी? 15। 15 मीन्स दिस 7 एंड दिस विल बी हाफ, राइट? इज दिस क्लियर? यस और नो बच्चों, समझ में आ रहा है? यू कैन डेकोरेट योर पिज्जाज राइट विद पुटिंग टॉपिंग्स ऑन देम। आई एम जस्ट ड्रॉइंग द रॉ पिज्जाज। हाँ, पिज्जा बेस बनाया मैंने बेटा, यू कैन डेकोरेट इट। नेक्स्ट कम्स टू द वेजिटेरियन पिज्जा बच्चों, हाउ मेनी वेजिटेरियन पिज्जा? तो 13 13 विल बी ड्रॉइंग बाय वन। राइट, प्लीज ड्रॉ इट बच्चों। नेक्स्ट इज 14, बस ये 7 सर्कल्स कंप्लीट कर लो, ओके राइट? नेक्स्ट इज स्मोक चिकन, हमारी स्मोक चिकन 12। छः दो आठ छः आठ
क्लियर? यस सर और नो? यस जस्ट अ मोमेंट बेटा, ये 3 to 5 12 ठीक है, 13 इज ओके। ट्वेल्व नेक्स्ट इज मार्गरिटा, 9, 1, 2, 3, 4 एंड 4.5 राइट। यस नेक्स्ट इज लूजी स्पेशल, 16, ये तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। राइट, यस इज दिस क्लियर? एवरीवन इज दिस क्लियर? यस एनीथिंग नॉट क्लियर? नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। सेल ऑफ टेबल लैंप्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक इज शोन बिलो। हाउ मेनी टेबल लैंप्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे? हाँ जी, हाउ मेनी? सी लाइक लाइक द क्वेश्चन नंबर 9, हेयर ऑल्सो वन पिक्चर रिप्रेजेंट टू लैंप्स, सो देर आर 5 पिक्चर्स, सो आंसर विल बी 5 into 2, दैट विल बी 10. Therefore, 10 lamps were sold on Friday. Is this clear? Next question, bachao, 11th. A survey was conducted among people to know their favorite city in the world. How many people choose Sydney as their favorite city? 12. 12, ठीक है जी। यस। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन बेटा, इन ए पिक्टोग्राफ इफ ए सिंबल दिस रिप्रेजेंट 20 फ्लावर इन ए बास्केट देन द फिगर इज गिवन यू राइट। 4 फ्लावर्स आर गिवन, सो ईच फ्लावर रिप्रेजेंट 20, सो हाउ मेनी टोटल फ्लावर्स विल बी देयर? 80 फ्लावर्स, इज दिस क्लियर? यस। Next is 13th. The choices of the fruits of 42 students in a class are as follows. A, B, G, M and O stand for apple, banana, grapes, mango and orange respectively. Which two fruits are liked by an equal number of students? Just a moment. First of all, draw its frequency table. First of all, draw its frequency table. कीजिए बच्चों, ड्रा कीजिए इसको, जरा चेक कीजिए। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो एंड ऑरेंज? हाँ जी, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? सर 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. एप्पल्स आर 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हाउ मेनी बनानास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then is grapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 आ रहे हैं बेटा मेरे पास, तो 8 आ रहे हैं, आप लोग बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 है बेटा। Then is mango.
कौन? कहना रहे बेटा, दोबारा चेक करना जरा, मेरे पास तो 9 आए बेटा। ये जस्ट अ मोमेंट, 1 2 3 फोर फाइव सिक्स सेवन। बेटा फर्स्ट लाइन में कितने आ रहे हैं ये बताओ जरा। सेकंड लाइन में 10 आ रहे हैं बेटा। ठीक है, हाँ जी। ऑरेंज 7 2 3 4 फाइव बनाना सिक्स सेवन, राइट बच्चों? यस नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, विच टू फ्रूट्स आर लाइक बाय एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? तो बी एंड जी, बनाना एंड ग्रेप्स। नेक्स्ट 14, द ए डैश इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ए डैश रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फोटोग्राफ। एनी डाउट्स बच्चों इन असाइनमेंट? जस्ट जस्ट वेट फॉर ए मिनट, आई विल ट्राई टू शो यू द प्लेइंग कार्ड्स। Can you see the screen? देखिए बच्चे, so you can see their hair, right? So let, can you see this picture? Yes. Just a moment, अभी जरा हो रही है डाउनलोड। So now here, all the four suits are shown. Yes. Yes. So now these are the aces. देख रहे हो आप? Yes. This is called club. Club. And heart. Banner. Is this clear? Now ace is there. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All these are numbers. Yes. Can you see this? Can you see it or not? Yes. Then we have face card, that is Jack, Queen and King. Is it okay? Sir, yes. Any doubt, any question, bacho? Sir, no. Everything is clear now? Sir, yes. Chaliye, theek hai, now ma'am will take your science class. Thank you, students. Thanks a lot, teachers. Thank you, sir. Thank you, sir.
Name, class, roll number should be written. Only your name, class, phone number, be on your assignment. Yes, good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. How are you all? We are fine, ma'am. That's really good to know that. That's really good. Now, what you have to do? Kya karna hai sabne? Kya karna hai? Test. Test karna hai. Ma'am ne aate test de diya. Test karoge? क्या टेस्ट करना है? क्या टेस्ट है? इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट का? अच्छा, चैप्टर हो गया क्लास में पूरा? मैम यस। पूरा हो गया आपका? चलो फिर आधा लास्ट हाफ आपकी क्लास में हो गया था, फर्स्ट हाफ हमने यहाँ कर लिया, पूरा हो गया? ओके, दैट्स रियली गुड। अभी हमारे असाइनमेंट भी रह रहे बेटा, वी आर लेफ्ट विद असाइनमेंट्स ऑल्सो, है ना? हमने पूरा नहीं किया था लास्ट टाइम, अभी हमारा इसमें भी रह रहा था। ठीक है, फर्स्टली वी विल कंप्लीट दिस, देन वी विल कम टू द टेस्ट। ठीक है, सो फर्स्टली टेक आउट योर असाइनमेंट। ठीक है, तो वी हैव डन इलेक्ट्रिक सर्किट लास्ट टाइम, है ना? हमने ये वाला किया था, ये मैंने आपको क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट आई हैव शोन यू, आई हैव शोन यू दिस राइट नाउ, इट्स क्लोज सर्किट, लेट मी जूम आउट। लाइट इज नाउ आई थिंक इट इज प्रिटी क्लियर। सो Now, can you say it's glowing? Bulb is glowing right now. Yes? Yeah. You can see it is glowing. Now it is closed. Oh, sorry, open. It's not glowing.
So we have learnt about this. Now, who can tell me or who can define electric circuit? पढ़ सबने लिया लेकिन कौन डिफाइन कर सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? सिंपल क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट और एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास. इलेक्ट्रिक करंट टू पास, सो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? So sit down, right on, sit down, beta. That's good attempt. That's really good. So an electric circuit is a, write down beta, 6B, first bench. Beta, likho, likho. Question aayenge paperon mein ye. So you have to attempt this question also, na? I know you all know what is electric circuit. Sabko pata hai electric circuit kya hai? Agar main poochu, sabko pata hai sun kya hai? If I ask you to define sun, can you define sun? नो बिकॉज हमने कभी सोचा नहीं कि उसको डिफाइन कैसे करेंगे, है ना? सो सिमिलरली यू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट बट यू शुड नो हाउ टू राइट अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, हाउ टू डिफाइन इट. सो राइट डाउन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ वायर्स. इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ वायर्स. Closed path of wires and electrical components that allows that allows electric current to flow through it, that allow electric current to flow through it. I'm dictating it again. An electric circuit is a closed path of wires and electrical components that allows electric current to flow through it, to flow through it, to flow through it. तो उसके जो closed path है उसके through जो current pass होता है उसको हम कहते हैं electric circuit. वो जो रास्ता है that is electric circuit only. So we will do assignment और उसी को solve करते करते हम topic wise करते चलेंगे. तो हमारा question number रह गया था 6. तो आप अपने insulator conductors पढ़ा हुआ है. So conductors, metals, metals का हमने last time पढ़ा था, they have free moving electrons, है ना? So sixth question is, which of the following materials is a good conductor of electricity? So raise your hand. So raise your hand who wants to answer this. So I will call one by one. So sixth A say, sixth A. Okay, sixth say third bench, last bench, middle boy. Ajo beta. Last bench, middle boy. Ajo. Which one? Question number six hai beta. Question number 5, which of the following materials is a good conductor of electricity? I'm all of the above. All of the above. That's good. Sit down. So yes, answer is, it's D. ठीक है? Now coming to question number 10. तो unit का जैसे हम distance नापते हैं, we use kilometer, we use meter, we use centimeter. Similarly, to measure current, we use a unit that is called? ओके गलत है सबका. सिक्स्थ बी से सेकंड बेंच बॉय आ जाओ. सिक्स्थ बी से कॉर्नर बॉय आ जाओ बेटा. द यूनिट ऑफ करंट इज वोल्ट. नो, सभी ने वोल्ट ही बोला और मैंने उसको बोला गलत. सो आंसर इज
एवरीवन नोट डाउन, इट्स एम्पेयर, ए लिखते हैं, कैपिटल ए लिखते हैं एम्पेयर के लिए, और यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है। एम्पेयर को कैपिटल ए से लिखते हैं, जैसे किलोमीटर को KM से लिखते हैं, सिमिलरली एम्पेयर इज रिटन एज ए, कैपिटल ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, व्हाई डजंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन एन ओपन सर्किट? ओपन ओपन सर्किट में क्यों मूव नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी? क्यों हमारा बल्ब जो भी हमने सर्किट किया था उसमें ग्लो नहीं कर रहा? अभी देखो अभी ग्लो नहीं कर रहा, इट्स नॉट ग्लोइंग, ओके, इट्स नॉट ग्लोइंग एनी वे, यू कैन सी हियर, बिकॉज सर्किट इज ओपन, यू कैन सी दीज टू वायर्स आर नॉट कनेक्टेड, दीज आर ओपन, दीज आर ओपन हेयर, ओके, सो दिस इज ओपन सर्किट, एंड वाई बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, हु कैन टेल मी इन दिस वाई बल्ब इज नॉट ग्लोइंग? दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12th, क्यों नहीं ग्लो कर रहा? वायर इज नॉट कनेक्टेड, है ना, दैट इज राइट। नाउ द आंसर क्या होगा इसका? बिकॉज़ अब इन दो वायर्स के बीच में क्या है? एयर, एंड एयर इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बैड कंडक्टर, तो आंसर इज सी, राइट डाउन 12th का है सी, 12th इज सी, राइट डाउन सी। एयर प्रेजेंट इन द गैप इज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर ये ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता एंड देयर इज टू मच मॉइस्चर इन एयर, क्या तब भी जो एयर है वो बैड कंडक्टर होती? यस, गुड गुड हो जाती, क्योंकि ड्राई एयर में तो वाटर नहीं है, लेकिन मॉइस्ट एयर में वाटर प्रेजेंट है, एंड वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर क्वेश्चन ये होता, अगर यहाँ पर ऑप्शन एक होता ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर, तो हम ड्राई एयर को चूज करते, ठीक है, हम मॉइस्ट एयर को चूज नहीं करते, सो दैट ऑल्सो यू शुड नो। नाउ कमिंग टू 13th क्वेश्चन, ये तो मैंने अभी आते ही आपको सबसे पहले यही स्टार्ट कराया, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, सो आई विल कॉल, जस्ट जस्ट अ मिनट, आई विल कॉल वन बाय वन, ठीक है। 6th ए से आ जाओ हरीश कुमार, 6th ए हरीश कुमार, ओके, यस बेटा, टेल मी द आंसर ऑफ 13th क्वेश्चन। आई एम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस दैट्स करेक्ट, दैट्स गुड, सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड। सो यस, ए कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, कंप्लीट भी होनी चाहिए, पूरी भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सेल ना पड़ा हो या वायर्स ना हो, ठीक है, एंड द वायर शुड बी कनेक्टेड, सो देन इट बिकम क्लोज्ड। सो 13 का है बी ऑप्शन, 13 इज बी ऑप्शन, ठीक है। वी हैव डन 14 लास्ट टाइम, 14 हमने लास्ट टाइम कर लिया था, 15th वी हैव डन, 16th वी हैव डन, कमिंग टू 17, फॉर दिस आई एम कॉलिंग 6th बी से एकम ज्योत सिंह, एकम ज्योत सिंह, 7th रोल नंबर बी से। सो बेटा यू हैव टू इनसर्कल कंडक्टर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से इनमें से कंडक्टर्स हैं, दैट यू हैव टू टेल मी। मैम ह्यूमन बॉडी, ओके, ह्यूमन बॉडी, मैम कॉपर वायर, कॉपर वायर, मैम स्टील स्पून, स्टील स्पून, मैम साल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर, दैट इज, बस यही है बेटा, दैट्स गुड, गुड बेटा। सो यस एवरीवन मार्क दिस, इनको सर्कल कर लो, ह्यूमन बॉडी, कॉपर वायर, स्टील स्पून एंड सॉल्टी वाटर, ठीक है। कमिंग टू 18th क्वेश्चन फ्रॉम द 6C, नाउ 6C विल आंसर दिस, 6C से आई एम कॉलिंग गुरवीर सिंह, गुरवीर सिंह फ्रॉम 6C, बेटा योर क्वेश्चन इज 18, व्हाई डू इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबर ग्लव्स
and boots when working with electrical appliances? Because ma'am, rubber absorb the electric current. Do rubber absorb electric current? Rubbers absorb karta hai? Okay, just tell me, rubber is a good conductor of electricity or bad conductor of electricity? Main bad conductor. So bad conductor absorb electricity or they do not allow the flow of electric current through it? Do not allow the flow of current. So how can then we say they are absorbing? If they are absorbing, means they are taking that current inside them, but they are not taking current inside them. So yes, you know the answer, that's good. But how to express it, that we should work on. Chalo, that's good, beta. So everyone, sit down, beta. Now everyone note down. Electricians wear rubber gloves and boots. Note down. Electricians wear rubber gloves and boots. Usko underline kar lo, line ko, na? Electricians wear rubber gloves and boots when working with electrical appliances because rubber is a bad conductor of electricity. Rubber is a bad conductor of electricity. In bracket, write down insulator. In bracket, write down insulator and bracket close. Rubber is a bad conductor of electricity. In bracket, write down insulator and bracket close. And then full stop. Full stop karke likho. Thus, rubber doesn't allow current to pass through it. Thus, rubber doesn't allow electricity to pass through it. Allow electricity to pass through it. Okay? So that's the answer. Now coming to 22nd question. Baki humne kar liya tha. Theek hai? 22nd mein beta hamare paas 6 arrangements hain. And these are based on whether an object that is placed in between the circuit is a good conductor or bad conductor of electricity. So first case mein likho jo ye aapko dikh raha, that is matchstick. Jo first hai, in the first case jo humne laga rakha hai, that is matchstick. Matches ki tilli laga rakhi hai. It's a matchstick. In the case B, it's a block. Jo khelte hain bacche, block. Theek hai? Jo khelne ke liye hota hai. Aap sabne bhi khela hoga. Then C mein hai safety pin. It's a safety pin. Then in D, it's comb. Kanghi hai. In its E, it's steel spoon. And in F, it's a eraser. It's a eraser. Jo humne circuit mein lagaya hai. To ye cheez humne lagayi hai. अब मुझे सिक्स ए से इमृत आएंगे. इमृत कम फॉरवर्ड. सिक्स ए. यस बेटा, यू टेल मी, जो ए है इसमें सर्किट में जो बल्ब है, इट विल ग्लो और नॉट? नो. सो यस, सिट डाउन बेटा. इट्स राइट, इट विल नॉट ग्लो बिकॉज मैच स्टिक इज अ इंसुलेटर. लकड़ी का बना होता है ना, इसलिए. Coming to B, and from 6th A, Sahaj will come. 6th A, Sahaj. Or next question ke liye, 6th B se Balraj and 6th B se Palak, come forward. Balraj and Palak from 6th B, mic ke paas aajo. Yes, beta, aap mujhe pehle batao, B ka. A block hai, to bulb will glow or not? Yes, 6th A. मैम नो.
No. Again, because it's a plastic and plastic is an insulator. That's good. Sit down. Now, 6B से पहले बलराज. बलराज, tell me about the C. In C case, bulb will glow or not? नो No? यस Okay. So, पलक, tell me about the D. In case D, bulb will glow or not? नो No, yes, that's right. क्योंकि कॉम इज प्लास्टिक, अगेन इट्स एन इंसुलेटर. बलराज, सेफ्टी पिन इज मेड अप ऑफ व्हाट? मोस्टली स्टील, स्टेनलेस स्टील या आयरन की. एंड दीज आर मेटल्स ओनली, एंड मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो आंसर इज इट्स यस. यहाँ पर यस होएगा, ठीक है. सेफ्टी पिन लगाते हैं ना, कई बार कुछ कपड़े हैं बटन टूट जाए या कुछ हो जाए, तो वो कैसा होता है? मेटल का होता है बेटा, प्लास्टिक का तो होता नहीं है. सो इट्स अ करेक्ट. ठीक है, सिट डाउन, सिट डाउन. नाउ फ्रॉम 6C, ई और एफ के लिए आ जाओ. अमरिंदर एंड खुशी, अमरिंदर एंड खुशी, अमरिंदर एंड खुशी फ्रॉम 6C. यस अमरिंदर, यू टेल मी अबाउट द ई. इन दिस केस बल्ब विल ग्लो और नॉट? मेटल इज अ गुड कंडक्टर. यस बेटा, यू डोंट हैव टू टेल अमरिंदर. इलेक्ट्रिसिटी नो यस यस, व्हाई? टीस्पून क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? यस यस, एंड दैट्स व्हाई बल्ब विल ग्लो. दैट्स गुड. सिट डाउन. यस खुशी बेटा, एफ का बताओ. इफ इरेजर होगा जो आप अपना इरेज करने के लिए यूज करते हो ना, पेंसिल को, पेंसिल से कुछ गलत लिख दो, सो यू यूज इरेजर. अगर वो हम लगा दें तो क्या होगा? मैम. नो ग्रो नहीं करेगा बल्ब. क्यों नहीं करेगा बल्ब ग्लो? मैम इरेजर क्या है? इरेजर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर. ठीक है, सो सिट डाउन, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन. नाउ कमिंग टू 23rd क्वेश्चन. तो बेटा ये सबने किया होगा, आपके देखो बुक में दे भी रखा है, दिस डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक भी. ठीक है, अब इसको हम करते हैं. ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस. इसमें हम एक और लेबल करेंगे, ठीक है, वी विल लेबल वन मोर. अब आ जाते हैं फ्रॉम 6 से चाहत. बेटा आ जाओ, ये आप कर चुके हो, पहले हम लेबलिंग करते हैं, देन वी विल टेक क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स लेबल इट. यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज ए? बल्ब. इट्स बल्ब. ये तो पूरा ही बल्ब है बेटा, इट्स इलेक्ट्रिक बल्ब ओनली. यहाँ पर ये पूछा है जो ये बल्ब है उसके अंदर जो खाली स्पेस है, जो हमें उसमें कुछ नहीं नजर आता, उसमें क्या भरा होता है? विच गैस इज देयर? कौन सी गैस होती है? कौन सी? विच गैस? बेबी डॉट. बेटा आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, विच गैस?
without gas. Without gas. It is without gas. Inert gas. Yeah. Inert gas. But can you tell me the name of that inert gas? Okay, that's fine. Yes, it's inert gas. And which gas? It can be argon. Nitrogen, neon, or nitrogen. Can you tell me what is the meaning of inert when we are saying it's inert? Inert मतलब क्या होता है? आपकी क्लास में मुझे थर्ड ओके फर्स्ट बेंच गर्ल यस आप ही बताओ इनर्ट मैम इट इज गैस दैट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन नॉट विद ऑक्सीजन विद एनीवन किसी के साथ नहीं लड़ती ठीक है अगर आपके क्लास में अगर हम कहें कि एक बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा वो है प्रिकी है हर किसी से लड़ रहा है दैट इज रिएक्टिव और एक आपके क्लास में है जिसके सामने कुछ भी होता रहे उसको फर्क ही नहीं पड़ता ठीक है तो दैट पर्सन इज इनर्ट वो अपने में खुश है जैसा है ठीक है उसको सराउंडिंग में क्या हो रहा है डजेंट मैटर उसे किसी के पंगे में नहीं पड़ना सो दैट इज इनर्ट ठीक है सो दीज गैसेस डजेंट रिएक्ट विद एनीवन ठीक है तो दैट इज ऑक्सीजन तो होती नहीं है बल्ब के अंदर क्योंकि अगर ऑक्सीजन हो गई गैस बल्ब के अंदर तो बल्ब वैसे के वैसे ही फ्यूज हो जाएगा ठीक है उसमें जो है फिलामेंट जो है वो तभी के तभी टूट जाएगा जैसे ही वो गर्म होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा फायर होगी और खत्म ठीक है सो सिट डाउन बेटा सिट डाउन सो नाउ कमिंग टू बी बेटा सिट डाउन नाउ फ्रॉम सिक्स ते सोनाली सिक्स ते सोनाली अच्छा आप ही हमें सोनाली ओके बेटा बी का बताओ बी क्या है फिलामेंट फिलामेंट किसका बना होता है मैम थिन वायर थिन वायर का क्या नाम है इट्स टंगस्टन इट्स टंगस्टन थिन वायर इज टंगस्टन अब क्वेश्चन आपके उसमें आप बैठ जाओ अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन नॉट आयरन और कॉपर वायर जबकि आयरन एंड कॉपर वायर बोथ आर मेटल बट वी आर यूजिंग टंगस्टन इंस्टेड ऑफ दीज टू वायर और वी कैन से मेटल्स व्हाई कोई तो रीजन होगा जबकि हम कहते हैं हमारे घर में जो वायर्स हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स है जो हमारे स्विचेस या फिर जो पूरी वायरिंग हो रखी है लेकिन बल्ब के अंदर वी आर यूजिंग टंगस्टन वी आर नॉट यूजिंग कॉपर व्हाई सो यस सिक्स सी मिडल रो मिडल में बच्चा जो बैठा है वो हैंड रेज कर रहा था यस यस डू यू नो द रीजन Yes, ma'am, because in old time of world, it heat easily, then metal and copper wire melt easily. Copper and yes, because they, we can say it because tungsten on heating, or we can say, or you know, when it heat up, it glow. Hame bulb se kya chahiye? Light chahiye? Light. Agar wo wire glow hi nahi karegi, toh it's of no use. Copper wire hamare ghar mein lagi hai, aluminium wire lagi hai, but it is not glowing. It is not giving us light, but through bulb we need light. And for that we are using tungsten because on heating tungsten will give light. So answer good beta. Sit down. So answer of this why filament of bulb made up of tungsten, not iron or copper wire, because tungsten on heating. Write down 23rd के फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर है टंगस्टन ऑन हीटिंग गिव्स आउट लाइट ऑन हीटिंग गिव्स आउट लाइट ठीक है दैट्स व्हाई व्हाइल कॉपर एंड आयरन डजंट ठीक है अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने एक ए पार्ट किया था कि वी आर यूजिंग आर्गन नियोन नाइट्रोजन Now next question is what will happen if instead of argon oxygen gas is filled in a bulb क्या होगा अभी मैंने बताया भी था ये अगर बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस होगी तो क्या हो जाएगा बल्ब फ्यूज क्यों हो जाएगा
जब टंगस्टन वायर हीट होएगी, गर्म होएगी, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसके साथ आग पकड़ लेगी, ठीक है? सो दैट्स द रीजन. तो लिखो, सो इफ ऑक्सीजन गैस इज फिल्ड इन अ बल्ब, इफ ऑक्सीजन गैस इज फिल्ड इन अ बल्ब कॉमा, इफ ऑक्सीजन गैस इज फिल्ड इन अ बल्ब कॉमा, टंगस्टन ऑन हीटिंग, टंगस्टन ऑन हीटिंग विल कैच फायर ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है? सो ये हो गया. चलो अब आगे आ जाते हैं. सी क्या है? सी क्या होता है? जो आउटर कवर है ग्लास का उसको क्या कहते हैं? ग्लास ग्लास केस. केस। कमिंग टू डी. अब ये देखो, टंगस्टन को कुछ दो वायर्स जो है उन्होंने पकड़ा हुआ है, क्या कहते हैं इनको? टंगस्टन क्योंकि पतली है, बहुत पतली, तो उसको होल्ड करने के लिए वी नीड सम थिक वायर्स. सो यू राइट हियर थिक वायर्स. दीज आर ऑल्सो मेटल वायर्स. सो दीज आर थिक वायर्स, मेटल की होती हैं. नाउ इन द लास्ट सेशन वी लर्न अबाउट हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन्स, है ना? पढ़ा था ना यस हमने ये, पढ़ा था करंट, करंट इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब यहाँ पर जो बल्ब है बेटा, दिस इज इट्स नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव. नेगेटिव ये कौन बताएगा? हैंड रेज करो. यस, सिक्स से मिडल रो सेकंड बॉय, मिडल रो सेकंड बॉय. यस जी, इज नेगेटिव और पॉजिटिव? मैं पॉजिटिव श्योर बेटा? मैं भी यस इफ आई राइट हियर नेगेटिव, वुड यू थिंक इट्स रॉन्ग? हु इज अग्री दैट इट्स नेगेटिव? हैंड रेज करो. एक, दो, तीन, चार, पांच. अब बहुत हो गए, खड़े हो गए हैं. मैं काउंट करने लगी तो बहुत ज्यादा हो गए. एक बार और सोच लो, थिंक. एम आई राइट और नॉट? नेगेटिव सोचो बेटा, सोचो. एम आई राइट और नॉट? राइट वाई इट्स नेगेटिव हेयर? वाई इट्स नेगेटिव? अच्छा बेटा, इसी के साथ एक और चीज मुझे आपसे बोलनी थी. आपका अब से डेली टेस्ट होगा जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है? डेली आपका तो नहीं, मतलब जब भी आपकी क्लास लगती है, जैसे आज आपकी क्लास लगी है, ठीक है? हाँ, ऐसे हाथ सबने तसल्ली लिया है ना कि डेली हो गया. जिस दिन आपकी यहाँ पर स्टेम क्लास लग रही है, ओनली दैट डे यू हैव टू टेक योर टेस्ट, ठीक है? आपको टेस्ट देना पड़ेगा. 6 बजे होगा, 6 to 6:30 के बीच में. मैथ्स एंड साइंस का वट एवर यू लर्न टूडे, एवरी ट्यूजडे, ठीक है? ट्यूजडे को ही लगती है ना आपकी क्लास? यस यस. सो एवरी ट्यूजडे, यस एवरी ट्यूजडे यू हैव मैथ्स और साइंस टेस्ट, ठीक है? 6 to 6:30. एंड एक और अनाउंसमेंट है इसके साथ. यू हैव टू बी रेगुलर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज जो आपके मार्क्स हैं दैट इज गोइंग टू ऐड, ठीक है? आपके अटेंडेंस इज गोइंग टू ऐड. जो कंसिस्टेंट रहेगा विद द मार्क्स एंड विद द अटेंडेंस, उसको जैसे सेशन आपका खत्म होगा, ऑन योर स्टेज यू विल गेट मेडल, ठीक है? सो नाउ यू हैव टू चेस फॉर योर मेडल, ठीक है? मेडल चाहिए नहीं चाहिए? तो चाहिए। कैसे मिलेगा? चाहिए।
एंड फॉर द मेटल यू हैव टू वर्क हार्ड नॉट हार्ड स्मार्टली, ठीक है, स्मार्टली वर्क करना है। कैसे स्मार्टली वर्क करना है? क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहना है, सोना नहीं है, ओके? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो यस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस, कमिंग बैक टू दिस। सो इट्स नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव। सबसे नीचे होता है पॉजिटिव। ये आपके बेटा अभी जो क्वेश्चन है ना, उसमें जी पार्ट नहीं दिया हुआ, यहाँ पर इसको जी कर लो, मैंने यहाँ पर एफ कर दिया, इसको जी कर लो, या फिर लेट मी करेक्ट इट सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, मैं ही इसको कर देती हूँ। सो इट्स अ पॉजिटिव, पॉजिटिव को मैं मार्क करती हूँ आपके, इसमें क्या दिया, अच्छा इसको मैं जी कर लेती हूँ, इसको मैं एफ कर देती हूँ, सो यू वोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, सो दैट इज व्हाट। नाउ कमिंग टू व्हाई डज द फ्यूज्ड बल्ब नॉट ग्लो। फ्यूज बल्ब ग्लो क्यों नहीं करता? अच्छा, फिलामेंट्स गेट ब्रोकन, वो तो रीजन हो गया कि वो जो है फ्यूज्ड है, वो तो वही हो गया, लेकिन ग्लो क्यों नहीं कर रहा? उसके पास फिलामेंट भी प्रेजेंट है, उसके पास एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द बल्ब, ओके? नाउ दिस इज इंटैक्ट बल्ब, ये पूरा इंटैक्ट है, इंटैक्ट मतलब इसमें कोई कमी नहीं है। नाउ इफ इट इज लाइक दिस, सो व्हाट हैपन हियर, इज इट क्लोज सर्किट और नाउ ओपन सर्किट? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, नाउ इट बिकम्स ओपन, सो दैट्स व्हाई करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस ओपन सर्किट। सो राइट डाउन, सो इन फ्यूज बल्ब, और वी कैन से दैट इन, यस, इन फ्यूज बल्ब सर्किट इज इनकम्प्लीट, इन ब्रैकेट ब्रोकन लिख लेना, इन फ्यूज बल्ब सर्किट इज इनकम्प्लीट, इन ब्रैकेट ब्रोकन, ब्रैकेट क्लोज, दस करेंट विल नॉट फ्लो, दस करेंट विल नॉट फ्लो। नाउ कमिंग टू 24th क्वेश्चन, दैट इज लेबलिंग ऑफ योर टॉर्च। हमें लेबलिंग करनी है, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, इतना ज्यादा नहीं करना, नेक्स्ट क्लास में है आपके, वो सेवेंथ में। सो ए इज व्हाट, ए क्या है? इलेक्ट्रिक सेल्स, और यहाँ पर दो है, सो वी कैन से दैट बैटरी, है ना, वी कैन से दैट इजली, इट्स अ बैटरी। ठीक है, नाउ कमिंग टू बी, बी इज व्हाट? टॉर्च बल्ब, टॉर्च नहीं लिख दोगे, टॉर्च तो पूरी है, टॉर्च बल्ब। नाउ कमिंग टू सी, सी इज व्हाट? सी इज वो एरिया जो अगर आप टॉर्च में देखोगे सिल्वर सा होता है, शाइनी सा होता है, तो जब वो लाइट पड़ती है, पहले पीछे पड़ती है, फिर वो एकदम से बिखरती है, सो दैट इज अ रिफ्लेक्टर, ताकि लाइट जो है दूर तक और ज्यादा पड़े, रिफ्लेक्टर इज देयर। नाउ डी इज व्हाट? स्विच, डी इज स्विच, ठीक है, सो दैट 24th, 25th, 26th वी हैव डन, है ना? नाउ कमिंग टू 27th क्वेश्चन, पहेली कनेक्टेड टू बल्ब्स टू अ सेल एज शोन, ठीक है, तो कैसे उसने बल्ब किए कनेक्ट, लेट मी मेक इट, इट्स नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नाउ ए बल्ब, दिस इज बल्ब बी, नाउ द क्वेश्चन इज पहेली कनेक्टेड टू बल्ब्स टू अ सेल, शी फाउंड द फिलामेंट ऑफ बल्ब बी, सो इसका फिलामेंट टूट गया है, विल द बल्ब ए ग्लो इन दिस सर्किट? यस, बल्ब विल ग्लो, व्हाई, व्हाई सो? बिकॉज सर्किट इज नाउ इनकम्प्लीट, जो करंट हमारा जाना है कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा, वही रुक गया, ठीक है, सो आंसर इज नो, एंड रीजन इज सर्किट वही जो हमने अभी पीछे लिखा था फ्यूज्ड बल्ब का, वही सेम आ जाएगा, ठीक है।
Now 28. In which circuit bulb will glow or not? In which circuit? Okay, दो बार रिपीट हो गया, बट दिस इज टेक्निकल इशू. सो फर्स्ट वाले में ग्लो करेगा नहीं करेगा? नो वाई? एम ओपन सर्किट तो राइट डाउन ओपन सर्किट. इन सेकेंड केस आयरन नेल लगाया है, विल इट ग्लो और नॉट? यस यस, आयरन नेल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ कमिंग टू थर्ड, बल्ब विल ग्लो और नॉट? सी केस में ग्लो करेगा नहीं करेगा? नो वाई? में ग्लो करेगा नहीं करेगा? क्यों नहीं ग्लो करेगा? नो इट्स अ क्लोज सर्किट बेटा, इट्स अ क्लोज सर्किट, करेगा इट विल ग्लो. हमें चलो कमिंग टू रीजन एंड असर्शन. कम असर्शन, इन ए क्लोज सर्किट द बल्ब लाइट बल्ब ग्लोज, यस और नो? रीजन, ए क्लोज सर्किट अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द बल्ब. हमें तो बोथ आर राइट, सो वी कैन से ए इज द करेक्ट. ऑप्शन ए यस. कमिंग टू नेक्स्ट असर्शन, इंसुलेटर्स आर यूज्ड टू कवर इलेक्ट्रिकल वायर्स, यस. रीजन, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स, यस. कमिंग टू थर्ड असर्शन, इन इलेक्ट्रिक बल्ब विद ब्रोकन फिलामेंट इज कॉल्ड अ फ्यूज्ड बल्ब. रीजन, इफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज ब्रोकन द बल्ब विल नॉट ग्लो, यस. नाउ कमिंग टू असर्शन, व्हेन द पॉजिटिव ऑफ बल्ब इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द सेल एंड नेगेटिव ऑफ द बल्ब इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ द सेल, द बल्ब विल नॉट ग्लो. क्वेश्चन क्या है? दिस इज द बल्ब, ठीक है, बल्ब. अब इसमें क्या बोला है, वेन द पॉजिटिव ऑफ द बल्ब, पॉजिटिव का है यहाँ है, नेगेटिव का है यहाँ है, ठीक है. अब इन्होंने बोला है द बल्ब पॉजिटिव कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द सेल, ठीक है, एंड द नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ द सेल, विल इट ग्लो और नॉट? सो नो, बिकॉज सेम आ गया ना हमारा, इट विल ग्लो नो? आंसर, अच्छा रीजन, करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यस. करंट इज दिस स्टेटमेंट करंट, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और वी कैन से ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी, ठीक है. कमिंग टू असर्शन, टॉर्च बल्ब ग्लोस ओनली व्हेन द स्विच इज क्लोज एंड सर्किट इज कंप्लीट. यस ट्रू बेटा, स्विच इज क्लोज एंड सर्किट इज कंप्लीट. रीजन, इज सिंपल, इज स्विच इज अ सिंपल हैंस दैट इधर ब्रेक्स और कंप्लीट द सर्किट, यस इट्स ट्रू. क्योंकि स्विच को अगर और प्रेस करेंगे देन इट बिकम्स क्लोज, अगर हम उसको दूसरी तरफ प्रेस करेंगे इट बिकम्स ओपन. अब आ जाते हैं आपके टेस्ट की तरफ, ठीक है, इट्स योर टेस्ट, सबके पास है, तो फटाफट करते हैं, लेट्स डू इट क्विकली, राइट? यस, कर चुके हो सारे? यस और नो? नो ओके, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, डू इट फास्ट, फटाफट करो. डू इट फास्ट, Not
Excuse me, teachers, can you please confirm how long we can continue today? ये क्लास कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं आज? इज इट पॉसिबल? लाइक स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर टेस्ट. यस मैम. ओके मैम. ओके यू कैन कितने बजे तक मैम? नाउ 10:42 मैम. ओके मैम 11 o'clock. 11 o'clock. ओके बेटा फटाफट करो, टेक 10 मिनट्स ओनली, क्योंकि इट्स वेरी इजी. ये सारा आपने किया हुआ है. When the positive of the ruler is connected with the positive of the cell, the negative of the ruler is connected with the beta. Shor nahi, don't make noise. जल्दी कर लो. क्या करते हैं क्या बेटा? आई एम हियर ओनली, आई एम वॉचिंग एवरीवन. Thank you.
यस, टू मोर मिनट्स बेटा. टू मोर मिनट्स सो दैट वी कैन डिस्कस द आंसर्स ऑल्सो. इट्स वेरी इजी एंड मोस्ट ऑफ द रीजन एंड असर्शंस वी डिड टुडे ओनली इन असाइनमेंट. Isn't it easy test? Yes. So let's start discussing about this. Okay? That's good. So first, अपना आंसर देखो बेटा. It's like this. Fireflies, जुगनू जिन्हें कहते हैं, वो खुद की lights होती हैं उनकी. So those are luminous. Moon is moon reflects sunlight, so it's non luminous. Mars is a planet that also reflects sun's light. Star is luminous. Sun is luminous. Now coming to question number two, safety pin, जो भी हमने किया था, so safety pin वाला glow करेगा because safety pin is a good conductor. Now coming to question number three, so we know that electron, because of the flow of the electron, electric current generate and the electron flow from negative to positive, और उसका opposite हो जाता है electric current from positive to negative, ठीक है? सो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये, ठीक है. देन फोर्थ का क्वेश्चन है, स्विच अगर ऑफ पोजीशन में होगा तो क्या होगा? सॉरी इट्स मेरे से गलत हो गया. वेट वेट वेट, मैम ओपन सर्किट. इट्स ओपन सर्किट. यहाँ पर मेरे से थोड़ा वेयर आई हैव रिटन, इट्स नॉट ए. ओके, so it's off position, so circuit is open, so it's C. It's C. Now coming to fifth, in a circuit, what does a switch control? Switch के on off करने से क्या control करते हैं हम? The flow of electricity and in a circuit. Yes. Six आता है, कौन कौन से यहाँ पर conductors हैं? So जो हम jewellery पहन रहे हैं, silver, gold, that is a conductor. ठीक है, मॉइस्ट एयर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, बिकॉज इट हैज वाटर, सो इट इज कंडक्टर. एंड आल्सो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तभी हमें नंगे पैर या हम अगर गीले हो, हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच नहीं करना चाहिए. ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन, दैट इज हमने अभी ये किया है, सेवन भी किया है, एट भी अभी असाइनमेंट में किया है, सो इट इज लाइक दिस ओनली. क्वेश्चन नंबर नाइन, द स्टॉपिंग, ये भी वही है बेटा, ये हमने अभी किया है सारा. ठीक है, so it's a repetition only. Coming to 10th, difference in cell and battery. Who can tell me what is the difference between cell and battery? Last time I have asked you to note down. Yes, 6C, first bench. Yes. 6C, first bench. हाँ बेटा, कोई बोल दो दोनों में से. दोनों ही बोल दो, एक cell बोल दो, एक battery बोल दो. Cell is the single unit that produces electricity, while battery is formed while joining two cells. Not only two, more than, we can say one cell. If there is more than one cell, it is called battery only. ठीक है? So yes, that's good. Coming to next, how cell produce current? How cell produce current? Yes, 6C, second bench, middle student. Ma'am, the
मैम सेल प्रोड्यूस करंट बिकॉज द सेल इज हैविंग अ ड्राई पेस्ट ड्राई पेस्ट ऑफ केमिकल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग इनसाइड द सेल दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ठीक है सो यू कैन राइट डाउन बिकॉज राइट डाउन एवरीवन बिकॉज ड्राई सेल हैज केमिकल्स ड्राई सेल हैज केमिकल केमिकल्स कॉमा these chemicals react in bracket chemical reaction in bracket chemical reaction bracket close these chemicals react and produce electricity and produce electricity excuse me ma'am hanji beta so what we have to write in a bracket in bracket you have to write chemical reaction theek hai bracket close then come to the c the wires of circuits are formed of which material and why ye bhi humne last time kiya tha jo circuit mein wires hai kiski bani hai ye 6th hai first bench beta corner girl Ma'am, the wires of circuits are formed of metals because metal is good conductor of electricity. That's good. Yes, correct answer. Yes. Coming to next question, why current doesn't flow in open circuit? क्यों फ्लो करता ओपन सर्किट में? Yes, sixth है. Third bench corner girl. आ जा बेटा. Third bench corner girl. And because filament is broken. बेटा फिलामेंट बल्ब का पूछा नहीं है व्हाई करंट डजंट फ्लो इन ओपन सर्किट अगर ये जो सर्किट है ये भी ओपन है ना इट्स ओपन सर्किट वायर्स यू कैन सी दीज आर नॉट कनेक्टिंग सो बल्ब इज नॉट ग्लोइंग व्हाई सो दैट इज द क्वेश्चन बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट ठीक है इलेवेंथ का आई हैव रिटन It's it will glow. First will glow, second will because open circuit it will not glow. In third, हम battery के arrangement देख सकते हैं. Positive से start होके positive में ही end हो रहा है. तो it will not glow. ठीक है? एक negative होना चाहिए, एक positive. Then it will glow. Okay? Now 12th question. What happens if the filament of bulb is made of copper? ये भी हमने question किया है. तो आप assignment से कर सकते हो. Instead of one, two cells are connected. ये हमने last time किया था. Bulb will glow more. See, this cell is continuously used for longer time. इसमें क्या होगा? अगर हम किसी cell को बहुत दिनों से use करे जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? We need to replace. हाँ बोलो, बोलो. Sixth B से. Yes, sixth B. Who will tell? क्योंकि I am getting answers more from sixth C and sixth A. I want sixth B to participate now. Yes, 6B. If cell is continuously used for a longer time, क्या होगा बेटा? ये हमने last time किया था. Die after some time. It will die. Try or we can say it will exhaust after some time. Yes, that's good. So write down it will exhaust after some time. क्योंकि जो सारे केमिकल जो प्रेजेंट है सेल में वो यूज हो चुके होंगे अब उसके पास जब केमिकल ही नहीं बचेगा तो वो कहां से केमिकल रिएक्शन करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा सो दैट्स व्हाई लास्ट क्वेश्चन है सो ये वही है जैसे अभी हमने किया था दो बल्ब के साथ सो व्हाट डू यू थिंक इट विल ग्लो और नॉट व्हाई बिकॉज इट इज द सर्किट इज इनकम्प्लीट दैट Incomplete or open circuit. That's good. सबने अच्छा क्वेश्चन आंसर्स किए हैं. That's really good. Now ऐसे ही क्वेश्चन मैं आज के टेस्ट में डालूंगी जो आपके शाम को हैं. And I want everyone to participate. जिसने नहीं लिया मैं नेक्स्ट क्लास में नाम लूंगी और खड़ा कर दूंगी ठीक है क्योंकि मुझे आप सबसे उम्मीद है कि सबको समझ आया बिकॉज यू ऑल पार्टिसिपेटेड वेरी एक्टिवली एंड आई वॉन्ट दैट पार्टिसिपेशन इन टेस्ट ऑल्सो जो आपका शाम को 6 बजे है ठीक है Okay, students. Bye. Bye, my friend.